पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर असद रौफ का हुआ निधन। 231 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में की थी एम्पायरिंग। असद रौफ ने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 टी20 मैचों में एम्पायरिंग की थी। इनमें से 15 टेस्ट, 41 वनडे और 5 टी20 थर्ड एम्पायर के रूप में किए थे। अलीम दार के साथ वह पाकिस्तान के उन एम्पायरों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने देश के एम्पायरिंग के स्तर को बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलिट पैनल के पूर्व एम्पायर असद रौफ का लाहौर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पाकिस्तान के रौफ 66 साल के थे। इन्होंने 231 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग की थी। रौफ अपने समय के बेहतरीन एम्पायरों में से एक थे। 2005 में इन्होंने पहली बार टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग की थी। इसके एक साल बाद इन्हें ICC ने एलिट पैनल में शामिल किया था। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज कमरान अकमल ने ट्वीट कर लिखा, ICC के पूर्व एम्पायर असद रौफ के निधन की खबर जानकर हमें काफी दुख हुआ। क्रिकेट मैचों में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के आरोपों से रौफ का करियर बर्बाद हो गया। 2013 में उन्हें मुंबई पुलिस ने IPL स्पॉट फिक्सिंग कांड की जाँच में वांटेड आरोपी के रूप में नामित किया। तब रौफ IPL में एम्पायरिंग कर रहे थे। उन्होंने उस IPL सीजन के अंत से पहले ही भारत छोड़ दिया और चैंपियन ट्रॉफी से अपना नाम भी वापस ले लिया। रौफ ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रदर्शन किया। इन्होंने जांच में सहयोग करने की बात कही। 2016 में BCCI ने असद रौफ को 4 आरोपों में 5 सालों के लिए प्रतिबंध कर दिया था। असद रौफ ने क्रिकेट से दूरी के बाद शूज और कपड़े की दुकान खोली और इसी बिजनेस में वह लगे रहे। इनका बिजनेस काफी बढ़ता चलता दिख रहा था। इन्होंने एक बड़ा सा दुकान किया था। उस दुकान को रात के समय बंद करते हुए घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी हार्ट अटैक हुई और उनकी मौत वाकिया हो गई। BCCI द्वारा 5 साल के लिए बैन किए जाने के बाद असद रौफ का बतौर एम्पायर करियर लगभग खत्म हो गया। बैन के बाद इन्होंने पाकिस्तान के लांदा बाजार में एक कपड़े और जूते की दुकान खोली थी। कुछ महीने बाद ही उनकी जूते और कपड़े बेचते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस वक्त रौफ ने कहा था कि वे किसी आर्थिक परेशानी की वजह से नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी के लिए दुकान चलाते हैं। आपको रौफ के बारे में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचती रहें।